सकती और ये शादी नहीं होने वाली, कुछ ऐसा ही लग रहा है। कम से कम इस सीन को देखकर तो आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि एक तो आशिका घुसी दमदमाती हुई कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती सभी और रजत की, और वहीं पूरा ड्रामा देखकर सभी ने भी ऐलान कर दिया कि नहीं मैं ये शादी करने नहीं वाली। लेकिन भैया यहाँ पर खिचड़ी कुछ और ही पक रही है। कोई नहीं आएगा अंदर, कोई नहीं आएगा अंदर, कोई नहीं आएगा अंदर, और ना ही ये शादी, और ना ही ये शादी। यहां पर आकर तमाशा करना चाहता हूं। शादी नहीं हो सकती है, क्या आपने भी कुछ ऐसा ही सुना? कोई नहीं आएगा अंदर, और ना ही ये शादी। अब जो कहा है वही सुनेंगे ना। देखिए रजत और सवी की शादी में ये पहुंच गई है आशिका। अब रजत और सवी अपनी शादी को कितना छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और देखिए आशिका आ ही पहुंची। आशिका यहाँ पर आई है तो उसने खुलासा किया है कि उसका और रजत का 10 साल का एक बेटा है। इस बात को कुछ बता देंगे कि आपका 10 साल का बेटा है? हाँ? मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आपका बच्चा है कि नहीं है? हाँ मानता हूँ, मेरा 10 साल का बेटा है। वो बेटा मुझसे आज इसलिए दूर है क्योंकि ये औरत सामने खड़ी है। इन्हें बीच में मत आइए। हाँ आशिका बेसिकली यही करने आई थी, वो उनकी शादी रोकने आई थी। एंड शी न्यू इट कि अगर ये बात सभी को पता चल जाएगा तो आई थिंक सभी स्ट्रिक्टली मना कर देगी शादी के लिए। और वही हुआ, अभी तक तो वही हुआ है। और आशिका अब कंफर्म हो गई है कि सभी दोबारा उसकी शक्ल तक नहीं देखने वाली, तो शादी तो दूर की बात है। अब सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये धोखा है या फिर सच में आशिका की कोई चाल है। अभी के लिए फिलहाल इस सभी ने इस शादी से इनकार कर दिया है। मैं कैसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती जो अपने बच्चों पर हाथ उठा। शादी तो दूर की बात है, आपकी शक्ल भी ना देखूं मैं। और एक और बात कान खोल के सुन लो, ना तो ये शादी होगी और ना ही आपको सही की कस्टडी। और ड्रामा और ट्विस्ट जब तक शादी में ना हो तब तक वो शादी शादी नहीं है। तो ऐसे ही रजत और सवी की शादी में जिस तरह का ड्रामा क्रिएट होने वाला है, जिस तरह की उलझने बनने वाली हैं और क्या बनने वाली हैं वो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ड्रामा ज़रूर बनेगा। और रजत और सवी की शादी कैसे होगी ये बहुत कमाल होने वाला है। दोनों घर वालों ने तो शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। सभी दुल्हन भी बन गई थी और रजत दूल्हा बनकर आया था। मंडप में बस ये बैठने ही वाले थे, फेरे शुरू होते इससे पहले क्लाइमेक्स शुरू हो गया। सभी ने कह दिया कि वो ये शादी नहीं करेगी क्योंकि रजत ने उसे धोखा दिया है। ये बात बताइए कि आपके और आपके पूरे परिवार में इतना बड़ा सच क्यों छुपा? अब ये बात सुनकर सभी चौंक गए हैं। फिलहाल तो आशिका बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब सभी शादी नहीं करेगी रजत से। वहीं नन्नी सई भी आ गई। अब आशिका यहाँ से चली गई है, उसे क्या पता कि असली खेल तो उसके जाने के बाद शुरू होगा। और वो जो सोच रही है ना कि ये शादी नहीं होगी, आपको बता दे कि ये शादी होगी ठीक वैसे ही जैसे घर वालों ने प्लान की थी। ये तो केवल सभी ने ड्रामा किया था ताकि आशिका यहाँ से चली जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।